जर्मनी ने देश में कोरोना वायरस से निपटने के मद्देनजर लगे लॉकडाउन को और 3 सप्ताह यानी 28 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान कुछ पाबंदियों में छूट दी जाएगी। जर्मनी की चांसलर एंजेल मर्केल और देश के 16 राज्यों के गवर्नर के बीच बुधवार को करीब 9 घंटे बातचीत हुई। इस दौरान कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बढ़ते खतरे और सामान्य जीवन को पटरी पर लौटाने को लेकर चर्चा की गई। देश में पिछले हफ्ते छात्रों के लिए प्राथमिक स्तर तक के स्कूल खोल दिए गए थे, वहीं करीब 2.5 महीने बाद सोमवार को हेयर ड्रेसर काम पर लौटे। बैठक में तय किया गया कि लॉकडाउन के नए नियम देश में रविवार से लागू होंगे। मर्केल और राज्य के गवर्नर्स ने बुधवार को पाबंदियों में ढील देने की एक चरणबद्ध योजना भी तैयार की है। बर्न में मर्केल ने पत्रकारों से कहा कि ये कदम हमें आगे की ओर ले जाने के लिए होने चाहिए, लेकिन साथ ही इस वायरस से निपटने की दिशा में अभी तक हासिल हुई प्रगति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यूरोप में तीसरी लहर के कई भयावह उदाहरण मौजूद हैं। मर्केल ने संकल्प लिया है कि 2021 का वसंत पिछले साल के वसंत से अलग होगा। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले कम हैं, वहां गैर जरूरी सामान की दुकानें, संग्रहालय और अन्य केंद्र सीमित समय के लिए खुलेंगे। अधिकतर दुकानें देश में 16 दिसंबर को लागू किए गए लॉकडाउन के समय से ही बंद हैं। वहीं रेस्टोरेंट, बार, खेल केंद्र आदि पिछले साल 2 नवंबर से बंद हैं। होटल्स को सिर्फ व्यवसाय के लिए यात्रा करने वालों को ठहरने की अनुमति दी गई थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।